apareçam. Bizi fisco! Kam karo, kam karo! Fisco! Kam karo, kam karo! Bizi fisco! Kam kasani kar lijiye. दो बरसों से हम कहते आ रहे हैं, तहरीरी तौर भी, मीडिया के जरिए भी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों माध्यमों से, और जब मीटिंगें हुई तब भी इस चीज के खिलाफ हम पूरा मन तोड़ अपनी बात रखना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। लेकिन मुसीबत की बात है कि यहाँ की जो एजेंसीज है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं और पूरा मन बात नहीं करने देती हैं। आप देखते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, अल्लाह के कुदरती वसाइल है, कितना पानी हमारे पास है। अब आप ये मीटर्स लगाने जा रही हो, वाटर सप्लाई पर भी अब हमें सोच समझ के प्यास भी बुझानी होगी। मुझे सोचना होगा, कश्मीर और जम्मू के रहने वालों को सोचना होगा, हम एक गिलास पानी पिए या आधा गिलास पानी पिए, जब पानी हमारा सब कुछ हमारा, हमसे ही हमारा रिज़्क और जिंदगी का गुजारा आप छीन रहे हो। अच्छा, ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा? हमें तो प्रोग्राम था, प्रेस कॉलोनी तक हमारा प्रोग्राम था, लेकिन पुलिस की जोर जबरदस्ती आप देखते हैं किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जबकि हम पुरामन लोग हैं। इस यूटी को, साबिका रियासत को मैसूर किया है कैद की सूरत हाल में, सच बात बताने के लिए भी इजाजत नहीं है, पुरामन तरीके से भी अपनी बात मनवाने की इजाजत नहीं है, जो हमारे आईन ने हमें हक दिया है, जमहूरी कवानी ने हमें हक दिया है, उन सभी चीजों को बालाए ताक रखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी पुरामन तौर मुतालबा कर रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मरकजी सरकार से, कि हमें यहाँ इंसाफ कर लीजिए, हमें सहूलियात बहम रखिए, हम इस मुल्क के वासी हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, यहीं के बाशिंदे हैं, हम आपसे कुछ भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, वो भी पुरामन तरीके से। हमें मत उलझाइए, हमें मत उकसाइए, हमें मजबूर मत कर लीजिए गलियों पे अपने फैमिलीज को लाने का, पूरे आवाम को बुलाने का, फिर अल्लाह जाने क्या होगा। हम मौजूदाना अपील करते हैं, हमारे मुतालबात हैं, एक तो वाटर टैक्स को किसी भी सूरत में इम्प्लीमेंट लागू मत कीजिए और मीटर्स मत लगाए। दूसरा ये कि बिजली हम उतनी ही फीस अदा करेंगे जितनी हमें आप सप्लाई करेंगे, वो भी रीजनेबल रेट्स पर, आपकी मुकर्रर करदा रेट्स पर नहीं, उस पर नजरसानी कर दीजिए।